गाइज वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज हम समझेंगे आइसोलेट पी और एम के बारे में कि ये जो आईवी फ्लूड्स हैं कहाँ कहाँ दिए जाते हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, कैसे काम करते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों मेरा एक वीडियो है आईवी फ्लूड्स के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लो, उसमें बहुत डिटेल में बताया मैंने, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आरएल क्या होता है, डी5 क्या होता है, डी10, डीएनएस, एनएस, मैनिटॉल, ये सब कवर किया है मैंने उसमें, तो आप देख लेना। अभी बचा क्या है, आइसोलेट एम और पी। पैसे आने को तो आइसोलेट पी एम ई जी सब आता है, बट हम जो मेनली चलता है क्या, एम और पी। तो नाम से क्लियर भाई, आइसोलेट मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होता है आइसोलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें पी मतलब कि पीडियाट्रिक के लिए और एम जो है एडल्ट के लिए शो करता है। तो वैसे तो इसकी कंपोजिशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं दोनों में, चाहे आइसोलेट एम ले लो चाहे पी ले लो, बस फर्क इतना सा है कि भाई वो बच्चों के लिए और ये बड़ों के लिए सेम कंपोजिशन होता है, सेम थोड़ा सा 19-20 फर्क होता है उसकी जो क्वांटिटी है उसमें, उसका जो कंपोजिशन उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। भाई देखो, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि भाई ग्लूकोज की कमी हो गई शरीर के अंदर, ग्लूकोज कम हो गया, आदमी को एनर्जी बची नहीं है बॉडी के अंदर, बच्चा है, कमज़ोर हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया, गर्मियाँ हैं भाई, पसीना आया तो उसको पानी वगैरह कम पिया उसने तो उसको चक्कर आने लगे, चक्कर आने लगे, डिहाइड्रेशन हो गया, हाथों के अंदर पानी बचा नहीं है तो भाई क्या, पेट में ऐठन होने लगी, पेट मरोड़ने लगा, पेट दुखने लगा, ऐसा बोल सकते हैं, पेट दर्द होने लगा, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो डायरिया हो गया, दस्त हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चों के लिए स्पेशली देखा जाए तो आइसोलेट पी प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको मैं समझाऊंगा क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, आप बने रहिए। तो बड़ों में भी ये सेम ही चीज़ है, बड़ों में भी पेट दुखेगा या दर्द होगा, मतलब कि डिहाइड्रेशन हो गया, ग्लूकोज की कमी हो गई है, खाया पिया नहीं है, शादी वगैरह हम चले गए थे और लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, आदमी को चक्कर आने लगा, बेहोशी होने लगी है। ठीक है ना, तब उस कंडीशन में इसको चलाया जा सकता है। चढ़ाने को तो D5-D10 भी चलाते हैं, बट इसमें थोड़ी अलग चीज़ें हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेट एम और आइसोलेट पी को मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूड्स बोला जाता है। मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप D5-D10 चलाते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेक्स्ट्रोज होता है, NH चलाते हैं उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, RL होता है उसके अंदर रिंग इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन होता है, बट इसके अंदर मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मतलब तो अब फटाफट से समझते हैं दोस्तों कि आइसोलेट एम और पी में क्या पाया जाता है, कंपोजिशन की बात की जा रही है। देखो दोनों के अंदर डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट होता है 5 ग्राम पर 100 ml में, डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट, सोडियम एसिटेट 0.228 होता है इसमें, किसमें, एम में, और सोडियम एसिडेट 0.33 होता है, इसमें थोड़ा कम होता है क्योंकि बच्चों का है, 0.33 ग्राम पर 100 ml में। इसमें क्या है भाई देखो, पोटेशियम क्लोराइड है, कितना है, पोटेशियम क्लोराइड इसके अंदर 0.15 ग्राम है, और जो बच्चों वाला है उसमें 0.13 है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ में कमी है। और सोडियम क्लोराइड भी होता है 0.091, और इसमें कितना होता है सोडियम, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें पोटेशियम फास्फेट होता है, बस एक फ़र्क थोड़ा 0.026 होता है इसके अंदर, बस इतना सा फ़र्क है। तो सारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, हम जानते हैं भाई पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है 0.031 होता है इसके अंदर, आइसोलेट पी के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। तो ज़्यादा फर्क होता नहीं दोनों में, सेम चीज़ है भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, सर्जरी के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि भाई डिहाइड्रेशन हो गया, हॉस्पिटल में बंदा भर्ती है, उसका सर्जरी हुआ, उसको भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो बोलना चाहिए कि शॉक की स्थिति में आते हैं कई पेशेंट की, भाई उसको ऐसा शॉक लग गया, या बोलना चाहिए इलेक्ट्रिकल करंट भी लग गया तब भी, तो ऐसे लोगों को ये चढ़ाया जाता है क्या, आइसोलेट एम बड़ों के लिए, आइसोलेट भी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कम होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स तो होते हैं बट थोड़ा कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करें कि कई बार खून की कमी में भी चढ़ा देते हैं, खून में जो है पोटेशियम कम हो गया तो भी चढ़ा दो, ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की कमी है तभी चढ़ा सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन में इसको यूज़ किया सकता है। बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, भाई किसको नहीं चढ़ाया जा सकता है, किसको नहीं इन्फ्यूज़ करना है इसको आइसोलेट एमपी को, एलर्जी अगर किसी को है तो उसको नहीं देना, ठीक है, सर्जरी, शुगर अगर किसी को है मतलब कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, बड़ों में खासतौर पे, तो डायबिटिक मरीजों में नहीं देना क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डेक्सट्रोज है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, शुगर में ध्यान देना। एडिमा अगर किसी को है मतलब कि उसके बॉडी में कई कई जगह पर पानी होल्ड कर लेती है और वो सूजन बन जाती है, एडिमा के ऊपर मेरा वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा एडिमा क्या होता है, तो इतना समझ लो कि एडिमा में नहीं दिया जाता। और जो है
अगर किसी को हाइपरकैलेमिया है तो उसको नहीं देना, कैल्शियम ज़्यादा है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा उसको नहीं देना, ठीक है। तो कई बार कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऐसा लोगों के साथ होता है कि बड़े लोगों में, एडल्ट्स में, कि भाई उनको हार्ट फेलियर हुआ है कभी या कुछ ऐसी कंडीशन बनी है हार्ट की समस्या, तो नहीं देना। तो नॉर्मल सा इसका यूज़ है भाई, डिहाइड्रेशन हो गया, ग्लूकोज की कमी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए बॉडी में से, तो आप चढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या होता है कि कई बार समटाइम्स ये इसमें D5 के साथ भी ऐड करके चढ़ाते हैं कि भाई D5 का थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं तो भी चढ़ाते हैं, क्योंकि और ज़्यादा कमजोरी है तो उसमें थोड़ा सा डेक्सट्रोज और बढ़ा देते हैं, तो ऐसा भी करा जा सकता है, ठीक है। अभी बात करें कि इसका डोज क्या होता है, देखो भाई बच्चों में बड़ों में बात एक ही है, अगर ज़्यादा है तो दिन में 2 बार लगाई जा सकती है बोतल को, दिन में 3 बार भी लगाया जा सकता है और 4 बार भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है फिक्स, डिपेंड करता है कि कितना सीवियरिटी उसको, बंदे को आराम मिल गया तो फिर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, आइसोलेट एम और आइसोलेट पी, ई और जी भी आते हैं सेम ऐसे ही होते हैं, उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कुछ क्यूरी है, कुछ पूछना हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो और बनाने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानियर, मैं हूँ शिवम, सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।